हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग इतने रेडी होके ऐसे बाहर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, और क्यों जा रहे हैं वो आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर रहे हैं हम लोग, और क्या करने जा रहे हैं वो भी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को हम जाएंगे तो पता चल जाएगा, आगे बताएंगे। मिलते हैं आपको जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। आज गाइस हम लोग पहुँच गए हैं और हमने ले ली है पेस्ट्री। तो हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। पहले इतना बड़ा मेनू है, बहुत कुछ तो नहीं मगर बहुत कुछ भी है, बाकी हम कुछ डिनर नहीं कर सकते, फास्ट फूड है, ठीक है देख ले, डिसाइड करते हैं। मिठाई भी है, स्वीट्स भी है जो मम्मी पापा के लिए, वो लोग नहीं आ सकते हैं तो हम लोग उनके साथ ये तो खाते ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। इवन मम्मी तो हमारे यहाँ केक भी खाती है, तो आपने देखा ही है। हाँ आप लोगों को तो पता ही है, सो कोई मतलब ही नहीं है तो लेके आने का। तो हम लोग आज बहुत बिजी भी रहे क्योंकि आज हमारा शूट था, शूट फाइनली एक साथ यानी कि कंप्लीट हो गया है, अब एडिट सॉन्ग सब कुछ देखते हैं अब क्या होने वाला है। सो देखते हैं गाइस, फाइनली प्रणो ने डिसाइड कर लिया है। क्या क्या डिसाइड किया? क्या क्या? सैंडविच, बर्गर, पिज्जा। सो गाइस मैंने इसे आज कुछ गिफ्ट विफ्ट भी नहीं दिया है क्योंकि अभी जानती है, आगे बता दूंगा मैं घर जाके। सो गाइस फाइनली ऑर्डर आ चुका है तीनों एक साथ, और आज ये फिर मोटी होने वाली है। डाइट चल रहा था पता नहीं, मगर कुछ नहीं हो सकता इसको, रहता है। हाँ तुम्हारा हृदय नहीं रहता है, किसको पता है अंदर ही अंदर क्या करता है। दाल रोटी खा रही हूँ, सही बता रही हूँ मम्मी के साथ, दाल रोटी खा रही हूँ। ठीक है भाई, सब्जियाँ भी छोड़ दी मैंने यार, बहुत हो गया। ये गाइस छोटी सी पेस्ट्री क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। देखो बिल्कुल गाइस बहुत कम समझता है और अधिकतर लड़के होंगे जिनको नहीं समझता है, बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा नहीं समझे तो अच्छा रहता है। हाँ, क्योंकि लोग कोई नहीं पड़ता ना फिर। हाँ कहीं रेस्टोरेंट में जाओ तो बोलते अरे हमको तो समझता ही नहीं है ना, बस जो ऑर्डर करना है करो। और उस चक्कर में पता क्या रहता है, ये वॉलेट में देख कर चेक करती है, अरे ज़्यादा का है ये कम का है, सबसे अच्छी बात ये है। सॉरी गाइस नहीं देख पाया, फिर से कट कर देंगे। अब मेरी बारी, ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए ना भाई। कट करना है क्या हमारा यहाँ से तो हो गया है, उसके बाद में घर जाना है। रास्ते में देखते हैं हम लोग को कुछ इच्छा हुई तो खाएंगे, घर के लिए लेके जाएंगे, देखते हैं। तो गाइस मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो जरूरी इसकी इच्छा होंगी, आज तो मना नहीं कर सकता यार, गुपचुप के बिना तो कंप्लीट नहीं होता है ना। फुलकी, बतासे और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सबके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम, लेकिन है एक ही और जो बहुत टेस्टी लगता है इनको, मैं तो नहीं खाने वाला बिल्कुल नहीं। वैसे खिलाने की इच्छा तो नहीं थी मगर खा ले, मैं नहीं खाने वाला बिल्कुल नहीं।
तो गाइज हम लोगों ने ये मिठाई भी ले ली थी, तो ये अभी हम लोगों को मम्मी पापा के लिए हमने पैक करवा ली थी मतलब। और मैं तो नहीं खा सकती, लेकिन खास बात ये है कि मम्मी पापा को पता भी नहीं है कि आज क्या है। इससे बड़ी बात क्या है यार, हमारी लाइफ की देख लो। गाइज आप सोचते रह जाओगे क्या है क्या, क्योंकि हम खुद भी सोचते रह जा रहे हैं कि आज क्या है, क्या है? और क्यों है, क्यों है, नहीं रहना था। बाकी बहुत टेस्टी मिठाई है, तो बता दे कौन सी मिठाई है। ये मिल्क केक है, मुझे भी बहुत पसंद है और पापा को और भी ज्यादा पसंद है। पापा जब मैं भी नहीं खाऊंगी, लेकिन पापा जब भी पहले आते थे तो यही मिठाई लेके आते थे हमारे लिए, क्योंकि उनको जब पहले कैश में पैसा मिलता था पापा को। अच्छा, पुराने टाइम में, पुराने टाइम में समझ लेंगे, उस समय 1000 रुपए का सिर्फ खाने की चीज लेके आते थे पापा, यानी उस समय की बात, मतलब 1000 रुपए उस समय बहुत मायने रखा करते थे। आज भी रखते हैं यार, आज भी रखते हैं, लेकिन उस समय 1000 रुपए समझ लो बहुत बड़ी, सिर्फ खाने का आता था ना, कि उस दिन का एक दिन का हम पेमेंट का इतना इंतजार करते थे गाइस, और जैसी आती थी हम सीधे दौड़ जाते थे। आज भी दिन याद है यार, पापा काफी दिनों बाद खा रहे हैं। सभी लोगों को बचपन की यादें याद आ गई होंगी। सो अभी हम लोग, बाकी बहुत टेस्टी है, खा के देखना आप लोग। मिल्क केक तो घर में भी बना लेते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं लोग तो आजकल। ठीक है, सो ये हम पापा को दे देते हैं अभी हम लोग। गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, एंड जो करना था वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है, एंड क्यों कर रहे हैं ये हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, किसी और ब्लॉग में बताएंगे। सो सॉरी फॉर दैट, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ कारण है, बहुत बड़ा कारण है, आने वाली चीजों से ही रिलेटेड है। गाइस पता नहीं, अभी तो ये समय है, कुछ और समय आएगा तो इसे जब हम कुछ बड़े स्तर से सेलिब्रेट करेंगे तब मजा आएगा। वैसे आप ही मोजा नीचे फेंक सकते हो यार, बात करते करते तो हो जाते हैं। वैसे अभी छोटी मोटी चीजें आप यानी सबसे छोटी हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, बाकी आपके लिए नहीं पता, यानी आप भी जानना चाह रहे होंगे, तो हो सकता है जल्दी हम हमारे लव मैरिज का थर्ड पार्ट अपलोड करेंगे सोच रहे हैं। सो या ये था व्लॉग, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही छोटा मोटा, हमारे यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, अच्छा तो हम लोग खाना क्या है यार। दाल बनाई है, रोटी दाल अचार एंड दलिया बनाई है। अचार बनाई है, अचार तो रहते ही। तो गाइस बहुत नॉर्मल सा है, दिखाते भी थे हम कुछ खाना ऐसा स्पेशल बनाते थे, तो कुछ बनाया तो नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल खाने वाले हैं, मगर मैं सब कुछ ना कुछ बनाने के लिए बोलूंगा जो अब नहीं बनाने वाली मैं, अब हो गया भरता, नहीं तो मैं तेरा भरता बना दूंगा। ठीक है, थक गया यार इंसान, वैसे भी आज हम लोग सुबह से बहुत बिजी थे तो थक गए हैं अब। गाइस शूट था, शूट कंप्लीट हो गया, वो अच्छी बात थी हमारे लिए। अब पता नहीं वो कब तक अपलोड होता है, क्योंकि बहुत समय से हम उसको अपलोड करना चाह रहे थे, काफी टाइम बाद हमारा कुछ खुद का कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है। वेरी एक्साइटेड, सो ओके हम आपसे ब्लॉग में। ओके सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, एंड आई होप कि आप लोग ये शेयर भी करोगे, एंड हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग अब कौन सा बनाएं ये भी हम लोगों को कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, सो आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू गाइस। बताना जरूर गाइस कि छोटी सी हमारी पार्टी कैसी लगी। लव यू ऑल, बाय।